हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धिरण, यू आर वाचिंग स्काई इज द लिमिट। सो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में अभी एक ह्यूज प्रोटेस्ट हो रहा है, मैंने कल आपको बताया था, उसका आज भी कुछ रिजल्ट आउटकम आया है। स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी के, मैं आपको दिखाता हूं। हर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ये वीडियो को शेयर करना, ताकि कैलकाटा यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स चाहते हैं उनका जो बात है सप्लीमेंट्री एग्जाम को लेकर क्या बात है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, उसके बाद उनका डिमांड मैं आपको सुनाता हूं। पहले तो स्टूडेंट्स ये चाह रहे हैं कि ये जो सप्ली एग्जाम्स उनका अभी तक नहीं लिया जा रहा है कैलकाटा यूनिवर्सिटी से, वो जल्द से जल्दी हर एक सप्ली एग्जाम लिया जाए। पहला, स्टूडेंट्स का जो सप्ली एग्जाम होगा उसका रिजल्ट विद इन दिस नवंबर पब्लिश किया जाए। एंड थर्ड, ये बोल रहे हैं कि पीजी एडमिशन का जो लास्ट डेट है 14 नवंबर, इसको इंक्रीज किया जाए, ताकि जो जो स्टूडेंट सप्ली एग्जाम देंगे वो स्टूडेंट्स फिर से एडमिशन ले सके कैलकाटा यूनिवर्सिटी में। तो ये जो डिमांड है स्टूडेंट्स के इस टाइम के अंदर, डेफिनेटली ये एक सही डिमांड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास ये राइट होना चाहिए कि वो अपना सप्ली एग्जाम क्लियर करके हायर स्टडीज में जाए, जॉब में जाए, जो कि स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा इस टाइम के अंदर फेस कर रहे हैं। ना सिर्फ कैलकाटा यूनिवर्सिटी, मैकआउट में भी थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम चल रहा है। मैकआउट का जो स्पेशल सप्लीमेंट्री एग्जाम है कॉलेज ओपन होने के बाद लिया जाएगा, ऐसा ही बोला जा रहा है। जहां पे स्टूडेंट्स को जॉब मिल चुका है वो लोगों का जॉब अभी तक आप बोल सकते हैं क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि वो लोग मार्कशीट सबमिट नहीं कर पा रहे। तो ये सब जो इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं इसके रिलेटेड एक आप बोल सकते हैं स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हो रहा है, ऑलरेडी चालू हो चुका है, कल से हुआ है, आज भी हुआ है कैलकाटा यूनिवर्सिटी का कैंपस में। मैं आपको दिखाता हूं स्टूडेंट्स क्या डिमांड कर रहे हैं, आप बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो, वीडियो को अंत तक देखना। कुछ पिक्चर्स भी मैं उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और देखते रहिए वीडियो। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, जो जो सीयू के स्टूडेंट्स हैं या फिर यूनिवर्सिटी के अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी खोला है आप लोगों के हेल्प के लिए। आप लोगों के इंपॉर्टेंट नोटिस या फिर न्यूज रिलेटेड अपडेट आप भी शेयर कर सकते हैं, मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं, तो आप वो ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपका दिया है, और अगर वो लिंक ओपन नहीं हो रहा तो क्रोम से मत खोलिएगा, वो लिंक को कॉपी करके गूगल सर्च में जाके उसको ओपन करना, फिर टेलीग्राम पे जाके आप इजीली ज्वाइन कर पाएंगे। तो मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप ओपन कर सकते हैं। आप देख लीजिए स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी के। উপাচার্যের সাথে কথা বলবেন এবং আজকে কি কালকের মধ্যে যে আমাদের এই বিষয়টা নিয়ে যে তিনি ভাবছেন আমাদের একটা বছর যেন লস না হয়, এক্সটেন্ড করার ক্ষেত্রে এমএমএসএম ফর্মের জন্য তারা হায়ার এডুকেশন কমিটির কাছে তারা অ্যাপিল করবে। আমাদের বুঝতে হবে আন্দোলনের চাপে পড়ে এই সিদ্ধান্ত ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ থেকে বাধ্য হলো, তাই আমরা পুনরায় তারা আমাদের অভিভাবক, আমরা বাড়িতে যতক্ষণ থাকি বাড়ির মা বাবা কাকু কাকিমা তারা যেমন আমার অভিভাবক, আমাদের এই শিক্ষক শিক্ষিকারাও আমাদের অভিভাবক, আমরা এটা বিশ্বাস করি, তাই তারা আমাদের স্বার্থের কথা ভাববে। 30,000 ছাত্রছাত্রী যেন কোনোভাবে বিপর্যস্ত না ঘটে, অন্যান্য ইউনিভার্সিটি যেভাবে স্পেশাল সাপ্লি নিয়েছে তারাও সেটা নেবেন, এই আশা আমরা তার প্রতি রাখছি, আমরা তার প্রতি সেই ভরসা রাখছি এখনো। এবং আমরা এটা স্থির করেছি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট ইউনিটির পক্ষ থেকে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছি, তিনি কথা বলবেন ঠিকই, যতক্ষণ না আমাদের দাবি পূরণ হয় আমরা এই আন্দোলন চালিয়ে যাব এবং দাবি পূরণ করতে বাধ্য করব, এটাই আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছি। তাই পুনরায় তাদের প্রতি ভরসা রেখে আজকে যে অবস্থানের কর্মসূচি আমরা নিয়েছিলাম প্রায় সকাল থেকেই চলছে, আমরা আজকে সেটি তুলে নেব ঠিকই, কিন্তু আমাদের দাবি আমাদের ছাত্রছাত্রীর কথা ভেবে অন্যান্য ইউনিভার্সিটি যে সুযোগ করে দিয়েছে, যদি এই ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি সেটি না করতে পারে তাহলে আমরা কিন্তু এর শেষ দেখে ছাড়বই, আমাদের দাবি পূরণ করে ছাড়বই। এই বলে আজকের যে আমাদের অবস্থান কর্মসূচি ওই বিদ্যাসাগর মূর্তির সামনে গিয়ে আমরা শেষ করব, পরবর্তী সিদ্ধান্ত আমরা সকলে মিলেই নেব। ছাত্র ঐক্য চিনা।